Hi friends, welcome to my channel India's Beauty and Cooking Channel. आज मैं आप लोगों के साथ एक अंडा डेविल का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो एक स्नैक्स का रेसिपी है. बहुत टेस्टी है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग ट्राई करके मुझे बताइएगा. ये हम लोग कभी बाहर खाते, पर मैं आज आप लोगों के साथ घर में ही कैसे आप लोग बहुत इजी, बहुत जल्दी एक डेविल का रेसिपी बना सकते हो, इसका वीडियो दिखाने वाली हूँ. तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत है और इसका रेसिपी कैसे बनती है. पर उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. तो चाहिए तो पहले अंडा का डेविल के लिए अंडा चाहिए. एक अंडा को मैं 4 पीस में काट लिया. नमक, कुकिंग ऑयल, मैं इधर सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो. और चाहिए लाल मिर्च. लाल मिर्च को मैं ऑयल में फ्राई करके इसको हाथ से क्रश करके रख दिया. और चाहिए ये पीनट्स, इसको भी मैं हाफ हाफ फ्राई करके, ऐसे नॉर्मल फ्राई करके इसको ऐसे कट के रख दिया. और चाहिए करियंडर लीव्स, गार्लिक, गार्लिक को मैं चॉप करके रख दिया. जिंजर, जिंजर को मैं क्रश करके रख दिया. अनियन, और चाहिए ये जीरा है और दालचीनी है, इसको मैं फ्राई करके रख दिया. इसको मैं पेस्ट बना लेती. और चाहिए ये बॉयल्ड आलू है, इसको मैं बॉयल करके थोड़ा सा मिर्ची पाउडर के साथ मैश करके रख दिया. और चाहिए बेसन, बेसन को मैं देख लीजिए, बेसन को मैं पानी, कलौंजी, गार्लिक, नमक और खाने वाला सोडा से मैरिनेट करके ऐसे थिक बैटर बना लिया. देख लीजिए, ऐसे अभी ये डेविल के लिए ऐसे थिक बैटर होना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है. पहले कढ़ाई को गर्म करके इसके अंदर सरसों ऑयल डाल रही हूँ मैं. सरसों ऑयल गरम होने के बाद में मैं चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ और प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी. अभी देख लीजिए मेरा प्याज का कलर चेंज हो गया. अभी इसके मैं चॉप गार्लिक डाल रही हूँ. चॉप गार्लिक डाल के भी मैं इसको थोड़ा टाइम अच्छे से फ्राई कर लूंगी. देख लीजिए मेरा गार्लिक भी अच्छे से फ्राई हो रही है. प्याज और गार्लिक भी फ्राई हो गया. इसके अंदर मैं क्रश किया हुआ जिंजर डाल रही हूँ, डाल के इसको अच्छे से थोड़ा टाइम फ्राई कर लेते हैं. देख लीजिए अदरक भी थोड़ा सा फ्राई हो गया. इसमें मैं बॉयल्ड आलू जो मैं मैश करके रख दिया, उसमें मैं थोड़ा सा नमक और जो मैं जीरा और दालचीनी पाउडर करके रख दिया, उसके साथ मिला के रख दिया, तो भी इसमें डाल दूंगी. थोड़ा सा मिर्ची डाल रही हूँ इसके अंदर. सब कुछ आलू के साथ एक साथ मिला लूंगी. एक साथ पूरा जो मेरा फूड है जो ये एक साथ मिल के रेडी हो जाना चाहिए. अभी इसके अंदर मैं जो रख दिया था वो पीनट भी डाल रही हूँ और एक साथ फिर से अच्छे से मिला लूंगी. अभी इस टाइम पे गैस को एकदम मीडियम हीट पे रखना है. ज़्यादा करते तो नीचे आलू बैठ जाता, इसलिए बहुत केयरफुली इसको करना है. अभी रेडी हो गया मेरा फूड. इसको मैं गैस से उतार लूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रख देती. ठंडा होने के बाद इसका कैसे डेविल बनाना है, अंडा का डेविल, वो मैं आप लोगों को दिखा देती. तो एकदम रेडी हो गया, मैं अभी गैस ऑफ कर रही हूँ. अभी मेरा आलू का पूड ठंडा हो गया, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसे ये डेविल बनती है. तो पहले थोड़ा सा आलू लेती हूँ. आलू लेके ऐसे हाथ से गोल गोल कर लूँगी, ऐसे कर लूँगी हाथ में. अभी एक अंडा को लेंगी, एक अंडा पीस ऐसे रख के.
इसको अच्छे से एक पकोड़ा के शेप में रख दूंगी। अभी रेडी हो गया, देख लीजिए। फिर से और एक दिखा देती हूँ। थोड़ा सा आलू बैटर लेना है, उसको हाथ से ऐसे प्रेस करना है, प्रेस करके, और एक अंडा को ऐसे रखना है उसके ऊपर, और फिर रेडी हो गया। देख लीजिए, ये पूरा बन के रेडी हो गया। अभी इसको मैं फ्राई करना है। कैसे फ्राई करना है आपको दिखा देती हूँ। अभी मेरा तेल गरम हो गया, चेक कर लिया। अभी इसमें मेरा जो अंडा डेविल है उसको मैं एक एक करके ऑयल में डाल दूंगी। अंडा का वो पकौड़ा लूंगी, बेसन में डिप करके उसको ऐसे ऑयल में छोड़ दूंगी। फिर से एक अंडा लूंगी, इसको बेसन में डिप करके ऐसे ऑयल में छोड़ दूंगी। दोनों साइड से मैं लाल करके फ्राई कर लूंगी। अभी एक साइड हो गया, मैं इसको पलट रही हूँ, फिर से दूसरा साइड से भी इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। देख लीजिए, रेडी हो गया मेरा एक डेविल, अंडा डेविल दोनों साइड से पक गया। फिर से मैं दो इधर डाल दिया। ये मेरे एक कढ़ाई थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैं इसमें और भी ज़्यादा डाल रही हूँ। और अभी फ्राई हो गया, ये बाकी जो पहले मैं डाल दिया था ये सब फ्राई हो गया। मैं इसको निकाल लेती हूँ, निकाल लूँगी मेरा ये जो पकोड़ा अंडा डेविल निकाल लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गया मेरा एक डेविल का रेसिपी। बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी बनती है। घर में आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।